नीचे आते वक्त पैराशूट में मैंने दोनों मुल्क देखे और ऊपर से मुझे दोनों मुल्क में कुछ फर्क पता नहीं चला। दोनों एक जैसे ही खूबसूरत हैं और जब मैं नीचे गिरा था तब मुझे पता भी नहीं था कि मैं पाकिस्तान में हूँ या मैं अपने देश भारत में हूँ, क्योंकि दोनों मुल्क एक जैसे ही लगे थे मुझे। सारे लोग भी मुझे एक जैसे ही लगे थे। उसके बाद फिर मुझे चोट लगी थी काफ़ी गहरी और मैं हिल नहीं पा रहा था, तो मैंने कोशिश की ये जानने के लिए मैं कौन से मुल्क में हूँ। तो फिर जब मुझे लगा कि मैं अपने मुल्क में नहीं हूँ तो मैंने भागने की कोशिश की। मेरे पीछे लोग आए थे और उनका जोश काफ़ी ऊंचा था और वो चाहते थे कि वो मुझे पकड़ ले। उसी समय पाकिस्तानी आर्मी के दो जवान आए, उन्होंने मुझे पकड़ा एंड उन्होंने मुझे बचाया वहाँ से। एक पाकिस्तानी आर्मी के एक कप्तान थे, वो आए, उन्होंने मुझे ये इन लोगों से बचाया। फिर वो मुझे अपने यूनिट तक लेके गए जहाँ पे मुझे फर्स्ट एड दिया गया एंड फिर उसके बाद मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया जहाँ पे मेरी जांच हुई और मुझे और एड दिया गया। और उसके बाद इस इलाके जहाँ पे मैं हूँ, मैं तब से यहाँ पे हूँ आपकी खातिरदारी के साथ। क्या हो रहा है कश्मीरी के साथ वो ना आपको पता है ना मुझे पता है। हमें थोड़ा सा शांति से सोचना चाहिए। आई फाइंड द पाकिस्तानी आर्मी अ वेरी फाइन प्रोफेशनल फोर्स एंड वेरी शिवलरस। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय द शिवलरी व्हिच हैज बीन डिस्प्लेड बाय द पाकिस्तानी आर्मी। लड़ाई तब होती है जब अमन नहीं होता। मुझे ये नहीं पता है कि क्या करना चाहिए अमन लाने के लिए, बट मुझे सिर्फ ये पता है कि अमन होना चाहिए। And I see no reason for us to continue with any kind of hostilities. मैं ये चाहता हूँ कि अमन रहे हमारे देश में और हम अमन में रह सकते हैं।